Born in the smoldering cauldron of partition, Pakistan Air Force took its rightful place as the protector of a fledgling nation, cutting its teeth in battle and earning its fabled reputation as a master of the skies. It has gone from strength to strength, with patriotism as its inspiration and superior training as its ethos. It has met every challenge head-on, be it the war on terror, foreign aggression, or a natural calamity. The nation can count on this illustrious service to bring solace to her distressed and death to her enemies. Shuru Allah ka naam lekar jo malik e kainat hai. Sarbaraye Pak Fazaiya Janab, Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan Sahab, Moazziz Bursa-e Shuhada, Ghaziyan-e Falak Zat, Pak Fazaiya ke Afsaran aur Qabil-e-Ehtiram Mehman-e-Grami ko Behroz Sabzwari aur Bushra Ansari ka salam. Aaj ke is ewan mein sadae takreem un jaanbazon ki jinhone 1965 और 1971 के मार्कों में दुश्मन को नेस्त और नाबूद कर दिया। अजीज़ हमवतनों, यहाँ बैठे हुए बहुत से हाजरीन ऐसे हैं, उन्होंने अपने किसी अजीज़ को खोया है और इस वतन की खातिर न सिर्फ उनके किसी ख़ानदान के किसी फ़र्द ने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ़ की, शहीदों के पूरे ख़ानदान इन कुर्बानियों में शामिल होते हैं, इसलिए हमारे लिए भी वो उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने वो शहदा और गाज़ियान हैं। ऐ वतन, तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं, हमने रौंदा है बियाबानों को सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले आते हैं, हमसे वाकिफ है ये दरिया ये समंदर ये पहाड़, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। आइए देखते हैं इस धरती की पुकार पर लग बैक कहकर रिवायती दुश्मन को धूल चटाने वाले जाबाजों के कारनामों पर एक फिल्म रिपोर्ट। जंगे मोमिन चीज हिजरते सुए दोस्त, तरके आलम इख्तियारे कुए दोस्त, ओ के हर्फे शौक बा अक्वाम गुफ्त, जंग रा रहबानी इस्लाम गुफ्त, کس نداند جز شهید این نکته را، کو به خون خود خرید این نکته را. ستمبر شروع ہوتے ہی جب جنگ کے بادل مادر وطن پر منڈلانے لگے تو نور خان نے دشمن پر یہ واضح کر دیا تھا کہ اس کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا। यही वजह है कि यकम सितंबर 1965 का सूरज पाक फजाइया की कामयाबियों और फतह की नवीद देता हुआ तुलू हुआ। ये वो तारीखी दिन था जब सियालकोट के महाज पर सरफराज रफीकी और इम्तियाज भट्टी ने दुश्मन के चार वैम्पायर जहाज तबाह करके दुश्मन को ये वाज़े पैगाम दे दिया था कि पाक फजाइया के शाहीनों से ना टकराना। पाक फजाइया के मायानाज आबाद सज्जाद हैदर ने अपनी निडर टीम के हमरा दुश्मन की पेश कदमी करते हुए टैंकों ट्रकों और तोपों को तहस नहस करके लाहौर पर कब्जे के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। 6 सितंबर की शाम ही को सज्जाद हैदर के 19 स्क्वाड्रन ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि जिस पर दुनिया आज भी हैरान है। इनकी क्यादत में पाक फजाइया के हवाबाजों ने पठानकोट की ईंट से ईंट बजा दी और जमीन पर खड़े 13 जहाज जिनमें जदीद MiG-21 भी शामिल थे नेस्त नाबूद कर दिया। 7 सितंबर का सूरज पाक फजाइया को फतह की नवीद देता हुआ तुलू हुआ। इस तारीखी दिन एमएम आलम ने अपने तन तनहा सैबर के जरिए दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह करके दुश्मन पर यह साबित कर दिया कि पाक फजाइया के शाहीनों का कोई मुकाबला नहीं। 7 सितंबर की दोपहर पाक फजाइया के मायानाज हवाबाज शब्बीर हुसैन के 14 स्क्वाड्रन ने मशरकी पाकिस्तान के महाज को गरमा दिया। इनकी इस निडर फॉर्मेशन ने दुश्मन के दूर अफ्तादा कलाई कुंडा बेस में घुसकर जमीन पर खड़े 14 कैनबरा बम्बार तैयारे तबाह कर दिए। 1965 की जंग की कामयाबी में
नंबर 31 विंग के B-57 बम्बार तैयारों ने भी कलीदी किरदार अदा किया। कहीं नजीब खान, विलियम हॉर्नी और बिल लतीफ आगरा और आदमपुर को ने सुनाबूद करते दिखाई दिए, तो कहीं रईस रफ़ी, यूसुफ अलवी, सादत अख्तर और पीटर क्रिस्टी हलवाड़ा और पठानकोट को रोंदते चले गए। 17 दिन पर मुहित इस जंग में एरिक हॉल ने जब C-130 तैयारे को बम्बार में तब्दील करने का एक अछूता आइडिया मुतारफ कराया, तो तमाम दुनिया फर्त हैरत में पड़ गई। गर्ज ये कि वो पाक फजाइए के पायलट्स हों या नेविगेटर्स, रेडार कंट्रोलर हों या इंजीनियरिंग ऑफिसर्स, एयरमैन हों या सिविलियन, तमाम तर अफराद दुश्मन के सामने सीसा बिलाई दीवार साबित हुए। 65 की जंग में मैं भी अब ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में थी और वहाँ बम धमाके की आवाज़ आई, लेकिन मुझे अब भी याद है कि उस वक्त जो लाहौरियों का ख़ास तौर पे आप सबको याद होगा, बाकायदा जोश में अपनी छतों पे चढ़ के ललकारते थे दुश्मनों को, फिर वो रेडियो पर पुरजोश मिली नगमे और हमारे जो न्यूज़ कास्टर्स थे उनकी आवाज़ में जो घन गरज होती थी, लगता था वो खुद सब महाज पर हैं। और MM आलम साहब जिन्होंने क्या मार्का मारा था, मैं 3 दफ़ा उनसे इंटरव्यू कर चुकी हूँ, ये भी मेरे लिए बड़ी एजाज़ बहुत की बड़ा एजाज। आप बहुत अजीम लोग हैं, स्पेशली जो शुहदा की फैमिलीज हैं, आपने कैसे सबूत पैदा किए, और अल्लाह का बड़ा करम है, हम बहुत सुकून की नींद सोते हैं, उसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान एयरफोर्स है। ख़वातीनो आज़ाद एक बहुत ज़बरदस्त दास्तान है जो कि फ़ख्र पाकिस्तान है, और वो एक वाहिद मर्द मोमिन की कहानी है जिसने दुनिया की 4 फ़जाई अफवाज में ख़िदमत अंजाम दी। देखते हैं ग्रुप कैप्टन सैफुल आज़म सितारे जुर्रत पर मबनी एक छोटी सी फिल्म। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैफुल आज़म अक्टूबर 1960 में मादर वतन की फ़जाई सरहदों की पासवानी का जज्बा लिए पाक फजाइया की शाहीनों की दुनिया में दाखिल हुए। पाक फजाइया ने उन्हें F-86 सेबर जहाज़ों पर अमरीका में तरबियत हासिल करने के लिए मुंतखब किया। तरबियत में ही औजे कमाल फन परवाज की वो बुलंदी हासिल की कि उन्हें अमरीकी फजाइया की जानिब से टॉप गन होने का एजाज अदा किया गया। उन्होंने जंग के अवाइल में सियालकोट, वागा और पसूर के महाजों पर भारतीय फौज पर 12 कामयाब हमले किए। 5 सितंबर के रोज जब 4 सेबर तैयारों की फॉर्मेशन भारतीय फौज पर कामयाब हमले से वापस लौट रही थी, उनका सामना 2 भारतीय नेट तैयारों से हुआ। उन्होंने फौरन एक जहाज को अपने निशाने पर लिया। उनके तैयारे से निकलने वाली गोलियों की बौछार ने चश्मे सदन में इस भारतीय जहाज को तबाह कर दिया। दूसरे जहाज के पायलट ने राह फरार इख्तियार करने में ही आफियत जानी। इस जंग में नाकाबिल फरामोश शुजात के एतराफ में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारे जुर्रत से भी नवाजा गया। 1967 की अरब इसराइल जंग के दौरान उन्होंने उर्दून और इराकी फजाइया की जानिब से लड़ते हुए इसराइली फजाइया के 3 लड़ाका तैयारों को तबाह करने का लाजवाल कारनामा सर अंजाम दिया। Destroyed 3 planes, Israeli Air Force. It's very, very, very famous. He was really a very professional pilot. He fought with courage. He used to be called amongst the Arabs and Jordanian fighter pilots the Israeli aircraft hunter. इस जंग में इनकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ में उन्हें उर्दून ने वसामुल इस्तकलाल और इराक ने नवत शुजा के एजाजात से नवाजा। सन 2001 में अमरीकी हुकूमत ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन हवाबाजों की फहरिस्त में शामिल करते हुए लिविंग ईगल के लकब से नवाजा। सैफुल आज़म वो वाहिद पायलट हैं जिन्हें दुनिया की 4 फजाई अफवाज में खिदमात सर अंजाम देने का एजाज भी हासिल है। 14 जून 2020 के रोज शब हवाबाजी का ये दरख्शां सितारा इस दारे फानी से रुखसत हो गया और उन्हें ढाका में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पूरी पाकिस्तानी कौम और बिलखुसूस पाक फजाइया इस जर्री हवाबाज को सलाम अकीदत पेश करती है। ग्रुप कैप्टन सैफुल आज़म की जो जितनी भी उनको एजाजात नसीब हुए अपनी ज़िंदगी में, उसका क्रेडिट
पाकिस्तान एयरफोर्स को जाता है। ग्रुप कैप्टन सैफुल आजम की जिंदगी पे बात करने के लिए हम दावत देंगे 1965 की जंग में सितारा जुर्रत हासिल करने वाले एक और हीरो स्क्वाड्रन लीडर गनी अकबर साहब। गनी अकबर साहब, आपका उनका बहुत साथ रहा और हमें मालूम हुआ कि अब तक आप और वो एक दूसरे से रابطے में भी थे, क्या आप कुछ अपनी यादों में से शेयर करना पसंद करेंगे? वो नहायत ही एक अजीम और शान इंसान थे और उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। सैफुल आजम जहाँ जहाँ रहे उसने अपनी महारत और अपनी पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। मैं जब दिसंबर 1958 में PF कॉलेज पहुँचा तो इनसे मेरी पहली मुलाकात हो गई। हमारे लिए वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उस वक्त है जब वो बास्केटबॉल खेलता था तो बहुत अजीम और शान प्लेयर थे और हमें भी सिखाता था बास्केटबॉल। बाद में वो अमेरिका चले गए, वहाँ से जैसे आपने दिखाया कि वो टॉप गन का एजाज़ हासिल करके वापस आया। हम दोनों एक साथ इंस्ट्रक्टर भी थे रसालपुर में। 1965 में जो उसने जौहर दिखाए वो आपने सबने देखे। उसने इंडिया का नेट तैयारा भी मार गिराया और उसका पायलट जो था मयादेव फ्लाइंग ऑफिसर हमने जिंदा पकड़ा। क्या बात। अरब इजरायली वार में वो पहला बंदा था पाकिस्तानी पायलट जिसने इजराइल का तैयारा मार गिराया मिस्टियर 4। और आपने देखा कि हर मुल्क ने उसको मेडल ऑफ वैलर यानी बहादुरी के तमगे दिए हैं। जब 1980 में रिटायर हुआ तो सियासत का ख्याल आया तो 5वीं पार्लिमानी इलेक्शन में हिस्सा लिया और वहीं पर घाकल बाड़िया पबना से उसने वो जीत के और अपनी मुल्क की खिदमत की। जब वो 71 के साने के बाद बांग्लादेश चले गए तो आपकी मुलाकात रही उनसे, तो कोई अहवाल उन मुलाकातों में से? 19 अप्रैल 1993 को मैं बांग्लादेश गया ढाका। वहाँ के एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल अल्ताफ चौधरी ने मुझे दावत दी थी तो सबसे पहले सैफुल आजम आए अपनी बेगम के साथ। तो बस वो पुरानी बातें PF कॉलेज की बातें जब हम इंस्ट्रक्टर थे कैडेट थे जितनी बातें हमारी हुई दिल खुश हुआ और वो यादें अभी तक मुझे मेरे दिल में ताज़ा हैं। जी दोस्तों की यादें तो ऐसी हैं कि जो दिन भर भी अगर आप उनको याद करते रहें तो खत्म ही नहीं हो सकती। और स्क्वाड्रन लीडर गनी अकबर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत पाक फिजाई की ताबनाक तारीख में कई नाम ऐसे हैं जिनकी जुरत और बहादुरी की दास्तान से दुनिया अब तक अनजान है। उन्हीं हीरोज़ में से एक नाम एयर वाइस मार्शल सईद अख्तर अंसारी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री का भी है। आइए देखते हैं उनके बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। पाक फिजाइया की दरख्शां तारीख के औराक पलटे तो जहाँ राशिद रफीकी और आलम जैसे हीरोज के नाम दिखाई देते हैं वहीं बेशुमार हीरोज ऐसे भी हैं कि जिनके लाजवाल कारनामों से दुनिया को अभी तक आगाही हासिल नहीं हुई है। तारीख के ऐसे ही गुमगश्ता हीरोज की फहरिस्त में एयर वाइस मार्शल सईद अख्तर अंसारी का नाम भी पूरी आबोताब से चमकता हुआ दिखाई देता है। मार्च 1953 में पाक फिजाइया की GDP ब्रांच में कमीशन हासिल किया। सन 1965 में स्क्वाड्रन लीडर सईद एयरवार कॉलेज फैसल में जारी स्टाफ कोर्स का हिस्सा थे। स्क्वाड्रन लीडर सईद को माड़ीपुर भेज दिया गया जहां ऐन उसी शाम आप माड़ीपुर में तायुनात नंबर 31 बम्बार विंग की इंतहाई अहम मिशन ब्रीफ में शरीक थे। माड़ीपुर में विंग कमांडर हमीद कुरैशी की क्यादत में B-57 बम्बार तैयारों की फॉर्मेशन तयशुदा वक्त के मुताबिक जामनगर एयरफील्ड पर हमला करने के लिए महवे परवाज हुई। ये फॉर्मेशन सतह समंदर से इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज करते हुए डूबते सूरज की रोशनी में जामनगर की फिजाओं में पहुंची। रेडियो पर लीडर की जानिब से पुल अप की आवाज सुनते ही फॉर्मेशन के तमाम पायलट्स हमले के लिए तैयार हो गए। चश्मे जदन में सईद के तैयारे से रनवे इंटरसेक्शन पर गिरने वाले 8 बमों ने जहां जामनगर एयरफील्ड की तबाही की दास्तान का आगाज किया वहीं स्क्वाड्रन लीडर सईद के मुकद्दर में दुश्मन मुल्क पर पहला बम गिराने का काबिल फख्र एजाज भी लिख दिया। 65 की 17 रोजा जंग में स्क्वाड्रन लीडर सईद अंसारी ने मुतादिद मिशंस में हिस्सा लिया और दुश्मन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया।
आप अपने 39 साल शानदार करियर के दौरान कई अहम अहदों पर भी तैनात रहे। पाक फिजाइया में इनकी इन्हीं शानदार खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। पूरी पाकिस्तानी कौम और पाक फिजाइया अपने इस बहादुर सपूत को सलाम पेश करती है। ख़वातीन और हज़रात, हमारी खुश नसीबी है कि एयर वाइस मार्शल सईद अंसारी साहब बज़ाते खुद यहाँ मौजूद हैं। आपकी भरपूर तालियों में एयर वाइस मार्शल सईद अंसारी साहब। सर, अल्लाह ने आपको एक ख़ास एजाज़ बख्शा और वो हिम्मत और वो कुव्वत दी। ये किस तरह आप अपने आप को ट्रेन करते थे या क्या सोचते थे, किस तरह आप ये समझते थे कि मैं ये कर लूँगा जो मैं चाहता हूँ? सितंबर 1965 में जिस तरह से इंडिया के साथ हालात ख़राब होना शुरू हुए, 6 की सुबह से कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि आज कुछ होना है। तकरीबन 4 बजे प्रेसिडेंट अयूब खान रेडियो पे आए और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। उस वक्त हमें टारगेट दिया गया कि आपका टारगेट जामनगर है और टाइम ऑन टारगेट 6:30 बजे शाम। अब हमारे पास तकरीबन 1.5 घंटा था, जिससे हमने जल्दी जल्दी कुछ प्लानिंग की और सही वक्त पर हम रवाना हो गए। हमारे हमीद कुरैशी हेवी कमांडर थे उस ज़माने में, वो लीडर, मैं नंबर 2 था, रईस रफ़ी नंबर 3 थे, आलम सिद्दीकी 4, अमीन खान नंबर 5 और एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट राशिद नंबर 6। इनिशियली 10,000 फुट के ऊपर जा रहे थे, लेकिन जो ही इंडिया के ज़मीन आई तो हम लोग उतर के और लो लेवल हो गए, तकरीबन 100-150 फुट के ऊपर। जब जामनगर एयरफील्ड के ऊपर हम पहुँचे तो हमारे लीडर हमीद कुरैशी ने रेडियो पे मुझसे कहा कि मैं सही पोजीशन में नहीं हूँ, तुम लोग अपना मिशन करते रहो। मैं आइडियल पोजीशन में था और मैं डाइव में चला। इंटरसेक्शन ऑफ द रनवे जामनगर की मेरे सामने थी, उसके ऊपर मैंने एम करके अपने 8 बॉम्ब गिरा दिए। अल्लाह का शुक्र कि वो 8 सही जगह पर जाकर लगे। सर, आपको जब ये पता चला कि आप हिंदुस्तान की ज़मीन पर बम फेंकने वाले पहले शख्स हैं, इसकी ताकत और इसकी शिद्दत जो पहले साल में या दूसरे साल में थी, क्या आज तक वो आपके साथ है वो फख्र? उस ज़माने का जज्बा भी तो देखने के लायक था। ये मैं ही बता रहा था कि जब हम लोग उस मिशन से वापस आए और अपने डीब्रीफिंग वगैरह की तो सब ने देखा गया, बहुत अच्छा, बहुत कामयाब मिशन था, लेकिन फिर भी हम सब ने मिल के इस नतीजे पर पहुँचे कि दिल अभी भरा रहे। लेकिन अब हर शख्स ये चाहता था कि हम कंटिन्यू करते रहे और ख़ासतौर पर जूनियर पायलट्स को बस कहते रहे कि भाई ठहर जाओ, सबको मौका मिल जाएगा, सबको मौका मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। और फिर यही हुआ कि हम पूरे इंडिया के हर जो आदमपुर, हलवारा, श्रीनगर, ये वो जो आप सुनते रहे उनके ऊपर रोज़ रात भर हम उनको याद दिलाते रहे कि हम इधर ही हैं अभी। जी हम सर, सलाम है आपको, आप पूरी कौम का तुर्रा इम्तियाज है। बहुत सी तालियां। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब, थैंक यू सर। बहरोज, मैं सोच रही थी कि क्या हम इस दिन अफसरदा होते हैं या हम शहदा को याद करके अफसरदा भी होते हैं, लेकिन उसमें जो बड़ा एलिमेंट है वो फख्र का है और खुशी का है, क्योंकि वो जंग 65 हमारे लिए एक फख्र का लम्हा। अभी जो हम जो देख रहे थे तो ऐसा जज्बा और यकीन जानिए कि और इतनी दुआएं, ऐसी फीलिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने सबने वो सब विटनेस किया है उनके पास तो बहुत सी कहानियाँ होंगी, अपनी अपनी कहानियाँ सबके पास हैं। इसमें बहुत से एलिमेंट्स थे जिनमें खूबसूरत तरीन एलिमेंट था हमारे मिल्ली नगमों का। क्या हमारे फनकारों ने भी अपने अपने महाज पर कोई कमी नहीं छोड़ी, खासतौर पर आपकी भरपूर तालियों में। अगर थोड़ा सा है ना, ज़रूरी है क्योंकि ये तो वक्त है, प्लीज़। हे वतन के सजीले जवानों, हे वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे
तुम्हारे लिए है, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों। जबरदस्त। इस साल 14 अगस्त को इनको सितारा इम्तियाज़ तक किया गया है, जो 23 मार्च को मिलेगा। तो आपको बहुत मुबारक हो जी। ख़वातीन हज़रात, पाक फ़ज़ाइया की तारीख जुर्रत और बहादुरी की दास्तानों से भरी पड़ी है। हम जिक्र कर रहे हैं पाक फ़ज़ाइया के अजीम शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद चंगेज़ी, सितारा जुर्रत का। आइए देखते हैं उनकी ज़िंदगी पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान ने ऐसे बहादुर और जरी सपूत पैदा किए हैं कि जिनकी शजाअत और कुर्बानियों की दास्तानें आज भी लहू गरमा देती हैं। ऐसे ही अजीम सपूतों में क्वेटा के हज़ारा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी शहीद का नाम भी शामिल है। अपनी सरजमीन से मोहब्बत का जज्बा इन्हें PAF एकेडमी रिसालपुर ले गया, जहां वो कामयाबी से अपनी तरबियत मुकम्मल करके 1967 में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों के सफ में शामिल हुए। बतौर फाइटर पायलट आपकी पेशावराना सलाहियतों को देखते हुए आपको उस वक्त के जदीद तरीन F-104 स्टार फाइटर तैयारों से लैस नंबर 9 स्क्वाडन में तैनात कर दिया गया। 1971 की जंग के दौरान आप इसी स्क्वाडन में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। तबले जंग बजते ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी नंबर 9 स्क्वाडन के हमरा कराची तैनात कर दिए गए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी ने इस जंग में कुल मिलाकर 11 मिशन्स में शिरकत की। दुश्मन के एक रडार यूनिट को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करने और एक भारतीय तैयारे को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने का कारनामा आपके जज्बे और सलाहियतों का मजहर है। 12 दिसंबर 1971 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी स्क्वाडन लीडर रशीद अहमद भट्टी की कमान में हैदराबाद सिंध के इलाके में एक कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन के लिए महर परवाज हुए। इसी असना में रेडार कंट्रोलर ने इन्हें इलाके में दो भारतीय MiG-21 तैयारों की मौजूदगी की इत्तला दी। भारतीय तैयारे नजर आते ही उन्होंने जहाज का रुख दुश्मन की तरफ मोड़ दिया। करीब था कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी उसे निशाना बना लेते, मगर दूसरे MiG-21 तैयारे से फायर हुए एक मिसाइल की जद में आ गए और यूं फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी जान शहादत नोश कर गए। फिर अपनी जान का नजराना पेश करने के एतराफ़ में फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी को सितारे जुर्रत से नवाजा गया। अर्ज़ पाक के इस जरी सपूत को कौम का सलाम। जबरदस्त, जबरदस्त। ये मैं कहती हूँ ना कि खास लोग हैं अल्लाह के। समद साहब के काबिले फ़ख्र ज़िंदगी पर मैं दावत दूंगा उनकी भतीजी बेगम नरगिस अली को। बेगम साहिबा का ताल्लुक भी एयरफोर्स से, क्योंकि इनके शोहर जो हैं वो एयरफोर्स पे हैं। खुश आमदीद, आप यहाँ आई और आपने वक्त निकाला। आपसे कल बात हुई तो पता चला कि आपकी दादी और आपके वालिद और ख़ानदान के दूसरे लोग उनके बारे में आपको दास्तानें सुनाते थे, तो वो क्या चीज़ें शेयर करती थी और उनसे आपको क्या लगा कि आप लोगों की फैमिली के जो जवान बच्चे थे वो क्या इंस्पिरेशन लेते थे? हीरो वर्शिप इज़ द वे टू डिस्क्राइब इट, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे पूरे कबीले के लिए। ही वॉज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन, अभी भी हैं। उनकी वजह से, उनकी कुर्बानियों की वजह से अभी भी एयरफोर्स में बीसियों चंगेज़ी बच्चे हैं जो सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस लेगेसी। हर सितंबर को हम शहीदों को याद करते हैं, हम उनकी कुर्बानियों की दास्तानें सुनाते हैं, लेकिन उन माओं को, उन बीवियों को, उन बच्चों को सलाम देना चाहिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ इस वतन की दिफा के लिए ऐसे हाजिर कर दिया जैसे कोई बात ही नहीं। बिल्कुल सही। और उसको ना सिर्फ हाजिर किया, उसको पेश किया, बल्कि सारी ज़िंदगी
उसको लेकर चले, उसको लेकर चले। ऐसी माएँ हैं जिनकी वजह से ये मुल्क आज भी कायम है। बेशक बेशक। माजी पाक फजाइया का इतना ताबनाक था जिसमें ऐसे शहीदों का लहू शामिल है, और इसका जो मुस्तकबिल है वो भी इक्वली ताबनाक है। हमने अभी रिसेंटली विंग कमांडर नुमान और स्क्वाड्रन लीडर हसन को देखा 27 फरवरी। आई एम सो प्राउड ऑफ देम, माशाल्लाह। आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरे बच्चों ने लाइव देखा और उनको ये एहसास हुआ कि इस मुल्क पे, इसकी हिफाजत पे, इसकी सिक्योरिटी पे कोई आँच नहीं आएगा जब तक ऐसे नौजवान शामिल हैं, जब तक ऐसी माएँ शामिल हैं। बहुत बड़ी बात है और बहुत अजीम है वो सब लोग, आप, आपका ख़ानदान, और आप बहुत काबिल फ़ख्र भी हैं कि आपके साथ इतना बड़ा नाम जुड़ा है। आप हमारे मोहसिन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कसम उस वक्त की, ये 1967 में पाक फ़ज़ाइया की ऊपर बनने वाली फ़िल्म थी कसम उस वक्त की, इसका टाइटल सॉन्ग है, ये शायद बहुत से लोगों को याद होगा। जब इसमें लीड रोल, जो ख़ास बात है, वो तारिक अजीज़ साहब मरहूम ने फाइटर पायलट का अदा किया था। तारिक अजीज़ साहब अब हम में नहीं है, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, हमारे उस्तादों में से थे, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत थे। तो पाक फ़ज़ाइया तारिक अजीज़ को, इस अजीम फ़नकार को कसम उस वक्त की गाने के साथ खिराज अकीदत पेश करती है। अब ये नगमा जोश मलिहाबादी, जो एक बहुत बड़ी अदबी हैसियत रखते हैं, उन्होंने लिखा था। इस वक्त हम आपकी तालियों में बुला रहे हैं ये गीत सुनाने के लिए नबील शौकत अली को। आइए सुनते हैं कसम उस वक्त। कसम उस वक्त की जब जिंदगी करवट बदलती हमारे हाथ से, दुनिया नए सांचे में ढलती है। कसम उस वक्त की। वतन के नौनिहालो बांध कर सर पे कफन ना हो, वतन के नौनिहालो बांध कर सर पे कफन ना हो, इधर है बारिशाने हैदर, इधर है बारिशाने हैदर कैबर शिकन्ना हो। कसम उस वक्त की। जो मुश्ता के शहादत है अजल से डर नहीं सकता, जो मुश्ता के शहादत है अजल से डर नहीं सकता, जो मरता है वतन की आन पर, जो मरता है वतन की आन पर वो मर नहीं सकता। कसम उस वक्त की। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ फ़ारूक हसन। और मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई। खाक से खून का रिश्ता 73 साल पुराना है, और अमन को हमने खून देकर सींचा है। इसके इस्तेहकाम के लिए हमने दहशतगर्दी की भयानक तरीन जंग लड़ी है, इसकी बहुत भारी कीमत अदा की है हमारी कौम ने, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, और बिलखसूस मौजूदा नस्ल ने। ख़वातीन हज़रात, आइए देखते हैं पाकिस्तान में बैरूनी कुवतों के जोर पर उजागर हुई दहशतगर्दी के नासूर का किस बहादुरी से, किस जवां मर्दी से पाकिस्तान की मुसल्ला फौज ने मुकाबला किया। हम
अगर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। पाकिस्तान के कबाइली इलाकों बशमूल वादी सवात के लाजवाल हुस्न का इससे बेहतर तारुफ मुमकिन नहीं। मगर क्या कीजिए कि मासूम खूबसूरत और जफाकश लोगों के इस मस्कन को दुश्मन की नजर लग गई थी। मौजूदा सदी के अवाइल में मजहब व मिंबर की आड़ लेकर चंद नाम निहाद नंगे इंसानियत वाइजीन ने पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक चलन शुरू कर दिया था। शुमाल की वो वादियाँ के जहाँ कभी फूल बिखरे होते थे, अब सरबरीदा लाशें बिखरी हुई थी। राह बद के ये कज़ाक अपने तई गोया गुमान कर बैठे थे कि अब इनकी पेशकदमी पर बाढ़ लगाना एक कार्य कोहन होगा। अबस गुमान था, क्योंकि मुकाबिल थे वो मुजाहिदीन वतन जिन्हें फ़कत अल्लाह पे मान था कि जिनकी रगों में लहू नहीं पाकिस्तान था। दिन की रोशनी हो या घटा टोप रात के अंधेरे, पाकिस्तान आर्मी और पाक फिजाइया की मुश्तरका मंसूबा बंदी दिन की रात की और राह में हाई मुश्किलात की कैद से आज़ाद थी। हर हमले की मंसूबा बंदी का मरकजी नुक्ता दहशतगर्दों की तबाही से ज़्यादा मासूम और बेगुनाहों की जानों का बचाव होता था। मंसूबा बंदी की कामयाबी का सिर्फ एक पैमाना था, यानी हदफ की तबाही। चुनाचे न सिर्फ दहशतगर्दों की बल्कि उनके असलहों के जख़ीरों की तबाही और उनके तमाम ज़राए नकलो हमल की मुश्तरका काविशों से इस तरह यकीनी बनाया गया कि जो सामने आए नीस्त व नाबूद हो गया। शुजात व बहादुरी की नाकाबिल यकीन दास्तानों को रकम करता हुआ ये सिलसिला जो ऑपरेशन राह हक से शुरू हुआ रद्दुल फसाद तक पहुंचा, फिर कहीं जाकर अमन व आश्ती की वो पहली किरण नमूदार हुई कि जिसके सात रंगों में से हर रंग पाक अफवाज के जवानों और शाहीनों को सलाम पेश कर रहा था। जदीद तरीन लेज़र गाइडेड टेक्नोलॉजी के तीर व हदफ इस्तेमाल ने एक तरफ मिशन की कामयाबी के इम्कान को यकीनी बनाया बल्कि दूसरी तरफ दुश्मनान वतन को भी वाज़ह पैगाम दे दिया कि जब शाहीन हमला आवर होता है तो हदफ का नीस्त व नाबूद होना मुकद्दर हो जाता है। ज़मीनों की, पहाड़ों की, मासूम चेहरों की, बूढ़ी निगाहों की, इल्म की सिमत में जाती सब राहों की रौनकें बहाल हो चुकी क्योंकि दुश्मन का जवाल हो चुका है। कामिल फतह का ये सफ़र इतना आसान भी नहीं था। चाहे APS हो या बड़ा बेर हो, इस राह में लगने वाला हर ज़ख़म हौसले को मज़ीद पुख्तगी बख्शता गया और मंजिल की अहमियत वाज़ह करता गया। यह आसमानों में उड़ते उन मुजाहिदीन अफलाक की काविशों का समर है कि सवात व कबाइली इलाका जात की ज़मीनों में उम्मीद का सब्ज़ा लहला रहा है। मेरी मट्टी में आमेजिश है ख्वाबों की, यहाँ ताबीर की जो फसल उगती है उसे पैहम लहू की आबियारी है। मेरी बस्ती के लोगों का यही एक अलमिया तो है कि इनको वतन की मिट्टी हर एक रिश्ते से प्यारी है। वो जो हमारे कल पर, हमारे मुस्तकबिल पर अपना आज, अपना हाल वार देते हैं, उन पुरेसरार बंदों की ऐसी कौन सी मजबूरी है? वो हर दम वतन अजीज के दिफा में जुटे हैं। ख्वातीनो आज़ाद, दहशतगर्दी की इस जंग में जहां बर्री अफाज ने ज़मीन पर दहशतगर्दों की मक्तलगाह बना दी, वहीं पर पाक फिजाइया ने आसमान से आग बरसाकर दुश्मन का सांस लेना मुहाल कर दिया। जुरत और बहादुरी की दास्तान बयान करने के लिए मैं इस वक्त स्टेज पर दावा देना चाहूँगा ग्रुप कैप्टन उमर रशीद। आपकी भरपूर तालियों में। उमर रशीद साहब, मैं चाहूँगी कि आप हमारी कौम को ये बताएं कि जो जंग दहशतगर्दी की हमने जीती उसमें पाक फजाइया का किरदार क्या था बलखसूस, और वो क्या हिकमत अमली थी कि जिससे हम इस काबिल हुए कि हम ये जंग जीत पाएं? जो सवाल आपने मेरे से पूछा है, मैं उसका थोड़ा सा तफसीलन जवाब देना चाहूँगा।
ये जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं इसके कुछ बेसलाइन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस, कंटिन्यूड रिकॉनिसेंस, टाइम सेंसिटिविटी और इसके अलावा सीमलेस कोऑर्डिनेशन सरे फहरिस्त है। इन तमाम मालूमात की रोशनी में इन मिशन को बड़ी बारीक बीनी से प्लान किया जाता है और इस प्लानिंग में एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि हमारे मासूम शहरियों का किसी भी सूरत कोई जानी और माली नुकसान ना हो। आज तक जितने भी ऑपरेशन अंडरटेक किए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने, किसी एक मासूम शहरी की भी जानी नुकसान नहीं हुआ। जबरदस्त। फाइटर स्क्वाड्स के हवाबाज दिन और रात की तहरीकी का ख्याल किए बगैर अपने जहाजों पर मौजूद स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट यूज करते हुए शाहीन की तरह झपट पड़ते हैं और दुश्मन को इस सफा हस्ती से मिटा देते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि वो क्या जज्बा होता है उस टाइम पे, आपके क्या एहसासात होते हैं कि आप पूरी पूरी रात 24-24 घंटे 48-48 घंटे आपका जज्बा स्पिरिट बिल्कुल उसी लेवल पे रहती है, वो क्या जज्बा है? मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें प्लीज़। हमने ये अहद किया हुआ है कि इस मुल्क के दिफा के लिए हम अपनी जान देने से भी दरेक नहीं करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई हमारे मुल्क की सालमियत को चैलेंज करे? हमारे लिए इस मुल्क की बका और इसकी सालमियत की हिफाजत अव्वलीन फरीजा है। बेशक। और हमारे ये सबसे पहले पाकिस्तान है। सुभान अल्लाह, सलाम है इस जज्बे को। बहुत सारी तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया ग्रुप कैप्टन उमर रशीद, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, ये लम्हा हमें तारीख के उस बाब में ले जाता है जहाँ हम अपने आप को दुश्मन के नापाक इरादों से लिपटी हुई साजिशों में घिरा हुआ पाते हैं। एक ऐसा दुश्मन जो दहशत गर्दी के बलबूते पर मुमलिकत खुदादाद की बुनियादों को हिलाने की हिकमत अमली तो कर बैठा, मगर वो ये भूल गया कि सरजमीन पाक के मुहाफिज वो हैं जो वतन अजीज की तरफ उठने वाली हर मैली निगाह का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। यानी के जज्बा जुर्रत और शौक शहादत शर्त है बेशक अपने वतन का दिफा करने के लिए। नाजरीन दावत देंगे अब इस वतन की मिट्टी के ऐसे बेटे को जिसने बावजूद छलनी जिस्म के उसने वतन के दिफा को अव्वल जाना और महाज पर तब तक डटा रहा जब तक अपने से 5 गुना दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर नहीं कर दिया। आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए चीफ टेक सज्जाद आफरीदी तमगा बसारा। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से लम्हात ऐसे आते हैं जो बड़े डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं, उन लम्हात में अगर आपने सही एक्ट किया तो वो लम्हात तारीख बन जाते हैं और अगर आप घबरा गए तो यकीनन वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। सज्जाद भाई, आप जिस पोस्ट पर तैनात थे वो एक बहुत ही ख़तरनाक पोस्ट थी। बिल्कुल। और जिस दिन आपकी पोस्ट पर हमला हुआ आपने नहायत दलेरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया, मैं चाहूँगा कि उस वाकये की डिटेल्स अगर आप हमारे साथ शेयर करें। एयर डिफेंस की तरफ से हम बॉर्डर पे ड्यूटी करते एज एयर ऑब्जर्वर, तो हम एक पोस्ट में 13 बंदे थे, तकरीबन 9 बंदे एफसी के थे, 4 एयरफोर्स के थे। तो एक रात तो 12:30 बजे दहशतगर्दों ने अचानक तीनों साइड से हम पे हमला किया है और वो इस गलत फहमी में थे कि हम कई गुना ज़्यादा आए, तो हम जो मामूली 14-13 बंदे इसको हम खत्म करने शहीद कर देंगे और आसानी के साथ एरिया को कब्ज़े में ले लेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये हमले जो होते हैं और अटैक होते हैं, ये मुकाबले जो होते हैं ये तादाद पे नहीं जीते जाते हैं, ये जज्बे पे जीते जाते हैं और ट्रेनिंग पे जीते जाते हैं। जिसने ट्रेनिंग की हो, जिसको जज्बा हो मुल्क का, उस दौरान अटैक हो गया। अटैक में हम तो शुरू में तकरीबन 3 बंदे जख्मी हुए, बाद में 2 और जख्मी हो गए, तो ब्लीडिंग हमारी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मुझे खुद पेट पे स्प्लेंटर लगे थे उसके रॉकेट के, तो ब्लीडिंग के ऊपर कवर करने के लिए फर्स्ट एड वाले आ गए हमें बैकअप करने के लिए कि आप लोगों को कवर दे रहे हैं ताकि आप लोग ब्लीडिंग रोक लें। इस पर हम सब ने कहा है कि ये तो खून अभी हमारे जिस्म में काफ़ी ज़्यादा है, ये तो कुछ नहीं बहा अभी, जब तक आखिरी कतरा होगा उस वक्त तक इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस पर एक टेररिस्ट ने उन्होंने अटैक दोबारा उन्होंने शुरू किया और ग्रेनेड भी फेंके हमारी तरफ, लेकिन कवर फायर हमने कर रहे थे साथ साथ हैवी फायर करते हुए, फायरिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी की है कि हमारी राइफल इतनी गर्म हो गई कि मेरे अपने दोनों हाथ ही जल गए थे।
फिर आखिर में एक हाथ से फायरिंग शुरू की है। तो दोबारा भी उन्होंने कॉल की थी, वार्निंग की दी थी हमें कि आप लोग सरेंडर कर जाए। हमने वही कहा कि अभी हमारे पास वही ऑप्शन है, आपको भी भागने नहीं देंगे, हम भी नहीं भागेंगे, आखिर दम तक इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। और जो ब्लीडिंग जिनकी हो रही थी, बाकी साथी जो थे एफसी के, वो भी बहुत बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। कोई फील ही नहीं हो रहा कि किसी बंदे को कोई चोट लगी हुई है, जख्म है। आफरीदी साहब, तासो आफरीदी है ओजे यूसुफ जई अमा नुदासे के देने शीजे पख्तो के तासो ना सवाल होना कम जी। तासो अलता पातेश वई, तासो जख्मी शवी वई, तासो ता गोलियां ने लगी दली वई, ब्याम तासो अलता पातेश वई, तासो के दा पाकिस्तान सरा मीने के खुशकश्ता ना खुदा मीना, तासो के पाकिस्तान दे पारा मीना मोहब्बत चरता ना रालो दाम खल को तो हुआ है तासो वालिद साहब से कोल। मेरे वालिद साहब जो थे वो 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त वॉलंटियर पाकिस्तान की खदमत में पेश हो गए और वॉलंटियर उस वक्त खदमात सर अंजाम दिए। उसके बाद जब कश्मीर पे पहली अटैक हुई थी इंडिया की, तो उस वक्त भी वॉलंटियरली गए थे और उस वक्त बग़ैर असले के, यानी जो कबाइली इलाके से लोग गए थे उसमें से वो भी शामिल थे। तो यही एजाज़ और ये विरासती जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात यह कि हमें ट्रेनिंग इस तरह दी जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस ट्रेनिंग में वो जो हमारा जज्बा है इसको फिर बिल्कुल तराशा जाता है उसकी टेक्निक, क्योंकि जज्बा के साथ टेक्निक भी होनी चाहिए और टेक्निक हमें ट्रेनिंग की तरफ से मिल जाती है। बहुत खूब चीफ टेक सज्जाद, इनके लिए बहुत सारी तालियां। आप आए, आपकी वजह से हम सबका सर फख्र से बुलंद हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही वो जज्बा है जो हमारे मुल्क की सालमियत की जमानत है। हमारे मुल्क का हर एक बच्चा, हर एक सिपाही, हर मर्द, हर औरत जो है वो इसके दिफा के लिए हम वक्त तैयार रहता है।